हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पसी की रेसिपी एंड व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो आज मेरे विलेज में कोहरा हो रखा है और कुछ ज़्यादा ही ठंडा मौसम हुआ है। ये साइड में वो लगी है गेहूं, और ये देखिए सीत इतनी गिरी है, ओस जिसे बोलते हैं, कि पूरी रोड भीग सी गई है। और मैं इस ठंडी ठंडी हवा में बाहर आई हूँ आप सबको अपने विलेज का नज़ारा दिखाने। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट भी करना गाइस। ये देखिए, ये पूरा इधर आज कोहरे से घर नहीं दिख रहे हैं, और एयर बहुत ज़्यादा ही चल रही है देखिए। और ये है सरसों, ये सरसों लगी है, ये देखिए। और ये है अरहर की दाल होती है ना, उसके पौधे हैं ये वाले सामने वाले। तो हम आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग में पूरा, आज फुल ब्लॉग। देखिए हमारे कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। सो गाइस, देखिए यहाँ किसान लोगों के घर के सामने ये है कंबाइन, जिससे गेहूं वगैरह कटता है। तो यहाँ पे जो किसान वगैरह होते हैं अपने घर पे ट्रैक्टर ट्रॉली कंबाइन वगैरह सब रखते हैं। और ये है लौकी की बेल, देखिए इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी लौकियाँ होती हैं। और इधर लोग आग जला के हाथ भी सेक रहे हैं, ठंडा बहुत हो रहा है ना। देखो घर भी नहीं दिख रहे यहाँ से, आज तो बहुत एयर ठंडी चल रही है। तो मैं तो कवरअप करके आई हूँ खुद को बहुत ज़्यादा। ये गेहूँ रखे वो देखिए, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये पूरी सीत गिर रखी है। तो गाइस, जिसको वर्क होता है वो तो ठंडे में भी अपनी बाइक को राइड करता है। तो ये देखिए सामने से एक अंकल आ रहे हैं, और वो ठंडे में भी अपनी बाइक चला रहे हैं, क्योंकि जो वर्क करने वाले इंसान होते हैं उनको तो अपने वर्क पे जाना ही होता है। सो हम आपको दिखा ही रहे हैं। सो गाइस, ये जा रही है गैस की गाड़ी। और मेरे विलेज में ये देखिए इधर भी खेत हैं गेहूं के। आज इतना कोहरा हो रखा कि दिखाई नहीं दे रहा उतना क्लियर। ये देखिए बहुत ही बड़ा मेरा विलेज है, और ब्यूटीफुल भी है ये देखिए। और मैं भी घूमी घूमी करने आई हूँ ठंडे में। ये देखिए, तो आप सरसों की धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा। ये देखिए सरसों लगी है। अभी यहाँ से मैं राइट से लेफ्ट टर्न जाऊंगी। सो देखिए इधर को मुड़ना है मुझे, अभी मुझे चलना है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ आज नहीं कल नहीं जाना। देखिए अगर जो वर्क करने वाला इंसान होता है ना, तो उसको तो चलना ही पड़ता है, और हमें तो अपने वर्क के लिए निकलना है, तो हम चलते ही रहेंगे। आगे हम दिखाएंगे और चीज़ें आपको, एक बार नज़दीक से दिखाऊँ। ये हैं सरसों, देखिए इतने ब्यूटीफुल होते हैं ये सब। ये हैं सरसों, देखिए। अब ये मैं अपने रास्ते को जा रही हूँ, देखिए अभी कितना कोहरा हो रहा है। देखिए एक बच्चा ना हवा चल रही है तो पतंग उड़ा रहा है, ये देखिए दौड़ रहा है। और ये जो आगे बना हुआ है इसे खोंख बोलते हैं, इसमें गाय के भूसे वगैरह रखते हैं। ये देखिए ये बना है झोपड़ी टाइप सा, देखिए हमारे इस तरह से उपले बनते हैं ये देखिए। और ये देखिए कितनी सुंदर लौकी लग रखी है, पूरे बेलों में ऐसे ऐसे छप्पर बन रहे हैं। ये देखिए इस बच्चे को पतंग उड़ाने में मस्त है, ठंडा हो रहा है। देखिए बकरियों ने भी कवर पहने हैं। विलेज में पेड़ ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा घने घने, ये देखते रहिए मेरे यहाँ पेड़ ही ज़्यादा हैं। इधर खेत है, सरसों लगी है, इधर पेड़ हैं। सो गाइस ये देखिए ग्रीन नज़ारा, ये सब आलू लगे हैं और वो सरसों। अब हम चले अपने घर को, बेफैलों को भी ठंडी लग रही है। गाइस ये मेरे यहाँ के सबसे ढीठ गाय है, सबको बहुत परेशान करती है। देखिए अब आ गए हम अपने घर पे, देखिए ठंडा इतना बढ़ गया। ये बच्ची टोपी पहनी हुई है, ढीठ गाय जिसने कवर हटा दिया। ये देखिए इसके दांत टूटे, सबको हाय बोल लिए, हाय। ठंडा ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंगे आग। देखिए धुआं भी निकल रहा है गाइस। तो देखिए आज धूप ही नहीं आई और हम लोग को लग रही है ठंड। देखिए गाइस यहाँ पे हमने आग जला ली, और देखिए धुआं बहुत हो रहा है गाइस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, आह कितना आराम मिल रहा है, बहुत ठंडी लग रही थी मुझको।
गाइस तो अब हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है सब लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बोलो सब। बाय बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।